हेलो फ्रेंड आस्तीन डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तीन की लंबाई चौदह इंच ली है अब हमें आस्तीन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर लेना है तो ये देखिए हमने इसे बीच में से दो भागों में कट कर लिया है अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए हम डेढ़ चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें कपड़े को ऐसे यहां से फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कंप्लीट करते हुए सेम स्टेप को फॉलो करके हमारा जो दूसरा टुकड़ा है उसमें भी हम ऐसे डिजाइन बना लेंगे तो ये देखिए हमने दोनों साइड में सेम डिजाइन बना ली है अब हमें इसे फोल्ड करके साइड में रख देना है और चार इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े पे हमें बकरम को ऐसे चिपका देना है कपड़े की लंबाई आस्तीन की लंबाई के बराबर है अब दो कलर का डोरी लेंगे डोरी की लंबाई सात इंच है डोरी की लंबाई नापने के बाद अब हमें डोरी को ऐसे फोल्ड करके डिजाइन तैयार कर लेनी है अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे डोरी बनाई जाती है चारों कोनों के साइड से हम डोरी को ऐसे टाइटली खींचेंगे तो ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा डोरी वाला डिजाइन बनकर तैयार हो चला है हमने ऐसे ढेर सारी डिजाइन तैयार कर ली है अब हमें चकोर शेप में कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों साढ़े चार इंच है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करके ऐसी ढेर सारी डिजाइन बना लेनी है अब जो हमने लंबा सा कपड़ा लिया था उस कपड़े पे हमें ये वाले डिजाइन को ऐसे लगाना है एक के नीचे एक हम सारे डिज़ाइन को ऐसे लगाते जाएंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें दूसरे साइड में डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके किनारे के साइड में सिलाई चला देना है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे अब जो हमने डोरी वाला डिज़ाइन बनाया है उसे हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है ये देखिए ऐसे आपको लगाना है और यहाँ पे हमें सिलाई चला लेना है डोरी को किनारे की साइड में ऐसे लाते हुए सारे डिज़ाइन को हमें इसमें ऐसे ज्वाइंट करना है इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो ये देखिए हमने डोरी के दोनों साइड में सिलाई चला ली है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो यहाँ से हमें ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें डिजाइन में आस्तीन के कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करना है तो आस्तीन के कपड़े को हम यहाँ पर ऐसे किनारे की साइड में लगा एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है और डिजाइन के दूसरे साइड में हमें आस्तीन के कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे ऊपर की साइड का डिजाइन तैयार करने के बाद अब नीचे की साइड के डिजाइन तैयार करने के लिए हम साढ़े चार इंच चौड़ा और एक साइड से चौदह इंच लंबा हम कपड़ा लेंगे तो हमें चौदह इंच का डबल लेना है और किनारे के साइड से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हमें कपड़े में चूनट बनाना है तो चूनट हमें ज़्यादा छोटा छोटा नहीं बनाना है थोड़ा बड़ा बड़ा हमें चूनट बनाना है चूनट बनाने के बाद चूनट को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इसे इस्त्री कर लेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा तो ये देखिए हमने चूनट को अच्छे से इस्त्री कर लिया है अब हमें चकोर शेप में कटा हुआ ढेर सारा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ढाई इंच है अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे तो सारे कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करके डिजाइन बनाते हुए सारे डिजाइन को एक दूसरे में हमें ज्वाइंट कर लेना है ऐसे इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हमें दोनों डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करना है इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा दोनों डिज़ाइन एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएगा इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और धागे की भी अब हमें डिज़ाइन को उल्टा करना है और दो इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी डिजाइन को सीधा करते हुए कपड़े को हम ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम किनारे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब हमें चुनट वाले डिजाइन को आस्तीन के कपड़े में जॉइंट करना है तो आस्तीन के कपड़े में चुनट वाले डिज़ाइन को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुत ही इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं और हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो चला है आपको हमारे डिजाइन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो